तो इस पेपर का आखिरी सवाल डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ऑर्गन पाइप से रिलेटेड है। इसमें कहा गया 1 मीटर लॉन्ग ऑर्गन पाइप हैव बोथ एंड्स ओपन इज केप्ड इन अ गैस दैट हैज डबल द डेंसिटी ऑफ एयर एट एसटीपी। एज्यूमिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी इज 300 मीटर पर सेकेंड, द फ्रिक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड सेकेंड हार्मोनिक ऑफ दिस पाइप इज। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी जो होता है, सेकेंड हार्मोनिक का जो फ्रिक्वेंसी होता है उसका डिफरेंस पूछा गया है। तो पहला चीज तो हमें यह ध्यान देना है कि ये ओपन ऑर्गन पाइप है जिसके दोनों एंड्स जो हैं वो ओपन है, ठीक। तो फंडामेंटल मोड में क्या होता है, फंडामेंटल मोड में यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करें तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, प्रेशर वेव की बात करें तो यहाँ पर नोड बनता है दोनों ओपन एंड्स पर, है ना। मैं प्रेशर वेव के टर्म में लिख रहा हूँ, तो ये जो है एक कंप्लीट लूप बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये फंडामेंटल मोड में होगा ऐसा। और अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की सेकेंड हार्मोनिक की बात करें, है ना, एक्चुअली में जो फंडामेंटल मोड होता है उसी को हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, सेकेंड हार्मोनिक में ऐसे दो लूप बन जाएंगे इस तरह से। तो इसमें जो लेंथ है वो लैम्डा बाय टू के इक्वल होगा, इसमें जो लेंथ है वो लैम्डा के इक्वल होगा, ठीक। तो इस केस में जो लैम्डा है या लैम्डा नॉट लिखते हैं, लैम्डा नॉट ये है 2L के इक्वल, लैम्डा नॉट बाय 2L के इक्वल है, है ना। अच्छा, इसमें बात करेंगे तो लैम्डा 2 लिख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट हार्मोनिक है जिसको 1 में लिख देता हूँ, सेकंड हार्मोनिक को 2 लिख देता हूँ। तो सेकंड हार्मोनिक में देखेंगे कि ये जो वेवलेंथ है वो लेंथ के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा एल के इक्वल, ठीक। अब इसमें फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो फ्रिक्वेंसी होता है वी वाई लैम्डा, यानी कि वी वाई 2L। इसमें फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो ये आएगा वी वाई लैम्डा 2, यानी कि वी वाई एल। एक्चुअली मैं डायरेक्ट फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, है ना। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एक फार्मूला बताया है इस केस में, वो फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला लगाने से डायरेक्ट आ जाएगा। ये फंडामेंटल मोड के लिए यहाँ पर पी का वैल्यू 0 रखते हैं तो वी बाई 2L आता है, और नेक्स्ट मोड के लिए ये चूंकि फर्स्ट ओवरटोन होता है, ये पी होता है नंबर ऑफ ओवरटोन, ये फर्स्ट ओवरटोन है तो पी का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2V/2L यानी V/L आ जाएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में बताया ताकि सबको समझ में आए, जिसने ये फार्मूला नहीं पढ़ा होगा उसको भी ये समझ में आ जाए। तो देखेंगे जो फ्रिक्वेंसीज हैं इनका डिफरेंस कितना आएगा, फ्रिक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो आएगा V/L माइनस V/2L, यानी कि ये हो जाएगा V/2L, ये आएगा। अब V का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो होता है बल्क मॉडुलस बाई डेंसिटी, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होता है, है ना। तो यहाँ पर डेंसिटी के बारे में क्या बताया गया कि जो भी गैस है इस ऑर्गन पाइप के अंदर उसमें डेंसिटी डबल है, है ना। तो अगर गैस के अंदर स्पीड निकालेंगे, एयर के अंदर स्पीड निकालेंगे, तो ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आएगा डेंसिटी इन एयर डिवाइडेड बाई डेंसिटी इन गैस, है ना। तो ये आ जाएगा 1/2, है ना, यानी कि 1/2। एयर के अंदर स्पीड दिया गया है 300 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर देखेंगे तो गैस के अंदर जो वेलोसिटी है साउंड का वो निकल जाएगा 300/√2। ये 300 को उधर ले जाएंगे, 300/√2 आ जाएगा, ठीक। अब ये गैस की वेलोसिटी, गैस के अंदर जो साउंड है, साउंड की वेलोसिटी ये निकाल करके वहां पर रखेंगे, तो जो V है ये आया है 300 बाई
रूट टू, एक टू है और जो लेंथ है वो पहले से ही 1 मीटर दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पर लेंथ 1 मीटर बताया गया था, है ना। तो ये आ जाएगा 150/√2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 106, है ना। तो इसमें चूंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस है जो अभी हमने फाइंड किया है ये आएगा 106 हर्ट्ज़।